हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हरी मटर की दाल। उसके लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में मस्टर्ड ऑयल डालकर उसे हल्का गर्म होने दें। फिर उसमें 1 टीस्पून जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे तो इसमें हींग और कटे हुए प्याज डाल दें। हींग मटर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए ज़रूरी है। फिर उसमें चॉप्ड अनियंस डालकर उसको भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। भूनने के बाद हमारे जो अनियंस हैं वो ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हमें सब कुछ को अल्टीमेटली प्रेशर कुक करना है, जिससे फ्लेवर्स अपने आप राउंड ऑफ हो जाते हैं। अब प्याज भून चुका है तो मैं इसमें अब जिंजर और गार्लिक डालने वाली हूँ, फाइनली चॉप्ड। चाहो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हो। मैंने प्याज डालने के बाद में फिर जिंजर गार्लिक डाला है, क्योंकि अगर आप तेल में डायरेक्टली जिंजर गार्लिक डालोगे तो लहसुन का जो गार्लिक का जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने लगता है, जो पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं है। आप चाहो तो आप पहले जिंजर गार्लिक भी डाल सकते हो, या अनियन के साथ जिंजर गार्लिक को साथ में डाल सकते हो। चॉइस इज़ योर्स। अब जब तक प्याज भून रहे हैं तब तक मैंने जो अपनी फ्रेश मटर थी उसको मिक्सी में पीस लिया है। बस एक बार ब्लिट्स करना है, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, वरना दाल का जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं आएगा। अब मैंने अपने जो प्याज और जिंजर गार्लिक भुना हुआ था उसमें टमाटर डाल लिए, और फिर उसको लगातार चलाते रहना है तब तक जब तक कि हमारा टमाटर जो है वो गल के एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो एकदम मैशी हो गया है। अब इसमें मैं मसाले डालूंगी, हल्दी, जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर, और फिर इन सबको डाल के हल्का भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मसाले जलने के चांसेस होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला और नमक डाल लिया। नमक डालने से थोड़ा पानी वैसे भी टमाटर छोड़ता है, बट उसके पहले भी हमें थोड़ा पानी डालना है जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं। अब देख सकते हो कि सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो फिर हम इसमें अपनी हरी मटर को डाल देंगे और एक बार फिर इसे मिला लेंगे। मटर को मिलाने के बाद मैं फिर इसमें अपना होममेड गरम मसाला डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। फिर कुकर में ढक्कन लगाकर इसे 2 सीटी तक कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ मटर को ही बॉईल करना है। बस 2 सीटी लगाओ और फिर कुकर ठंडा होने के बाद इसे खोल लीजिए और धनिया पत्ता के साथ सर्व करो। रोटी, राइस, हर चीज़ के साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।